फ्रेंड्स, आइंस्टीन की एनर्जी मास रिलेशनशिप यानी कि E=mc2 इस इक्वेशन के बारे में हम सब काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसे कि कैसे एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और कैसे मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और कैसे यह इक्वेशन हमारी फिजिक्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बचपन से कहीं ना कहीं हम इस इक्वेशन को सुनते हुए आ रहे हैं और तभी से इस इक्वेशन को डिटेल में जानने की हमारे अंदर क्यूरियोसिटी भी रहती है। वेल, कभी ना कभी हमने अपनी लाइफ में इस चीज़ को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब कोई सामने से हमको एनर्जी मास रिलेशनशिप के बारे में पूछता है तो एज अ फिजिक्स लवर हम उसको एक्साइटमेंट में एक्सप्लेन करने लगते हैं कि E=mc2 एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि बताती है कि कैसे एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और कैसे मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। हम इस चीज़ को तो एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जब हमसे यह पूछा जाता है कि आखिर E=mc2 में c2 का क्या मतलब है, इस रिलेशनशिप में c2 का क्या मतलब है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो हमारा क्या आंसर होता है कि c2 एक कांस्टेंट है और यह कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का ही यूज़ क्यों किया गया? I mean, कुछ और भी तो हो सकता था, जैसे कि c4, c3 या फिर अकेला c, कुछ और भी तो हो सकता था। और इन सब सवालों को सुनकर कि आखिर E=mc2 में c2 का क्या मतलब है और c2 ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं, कुछ और भी तो कांस्टेंट हो सकता था जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों? तो जो कोई भी हमसे यह सवाल पूछता है वह हमसे कहता है कि आप इसको फाइंड करके आइए। मेरे टीचर ने भी मुझसे यही सेम सवाल पूछा था, लेकिन मैं उसका आंसर फाइंड नहीं कर पाया। और जब मैंने यही सेम सवाल अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने मुझको इसका आंसर नहीं दिया। और आई थिंक यही सेम सवाल किसी न किसी ने आपसे ज़रूर पूछा होगा और शायद आप भी इसका जवाब नहीं दे पाए होंगे। वैसे आपने YouTube पर काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी E=mc2 के ऊपर, लेकिन आप बताइए कि उन वीडियोस में कितनी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें आपको यह एक्सप्लेन किया गया हो कि c2 का क्या मतलब है और c2 का ही क्यों यूज़ किया गया। वेल, हम सब यह तो एक्सप्लेन कर देते हैं कि E=mc2 क्या है, लेकिन हम यह एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि आखिर c2 का क्या मतलब है, इसका क्यों यूज़ किया गया, क्या उसकी जगह पर कोई और कॉन्स्टेंट यूज हो सकता था। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट E=mc2 में c2 यानी कि वेलोसिटी के फैक्टर का ही क्यों स्क्वायर किया गया, और दूसरा पार्ट कि वह वेलोसिटी केवल स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों है, कोई और क्यों नहीं। तो पहले पार्ट का आंसर कि वेलोसिटी के फैक्टर का ही क्यों स्क्वायर किया गया, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम में से ज़्यादातर लोग फिजिक्स में यूनिट्स को वैल्यू नहीं देते। जैसे चलिए E=mc2 को देखिए, यहाँ पर E एनर्जी है, m यानी कि मास जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, c यहाँ पर स्पीड है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर c2 है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि टोटल एनर्जी की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, यह तो बात थी E=mc2 की, हालाँकि यह भी एक एनर्जी की यूनिट है। अब क्या एक ही तरीके की एनर्जी होती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए हम दूसरी एनर्जी को लेते हैं, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv2। यहाँ पर m मास है जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, v यहाँ पर वेलोसिटी है जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर v2 है तो उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की यूनिट को देखेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हुआ, यह तो बिल्कुल वैसी ही यूनिट है जैसी एनर्जी की यूनिट हमने E=mc2 में कैलकुलेट की थी। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम एक और टाइप की एनर्जी को देखते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्रेविटी यहाँ पर स्मॉल जी है जो कि होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट की यूनिट होती है मीटर, तो अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और यह क्या, यह तो बिल्कुल वैसी ही यूनिट है जैसी काइनेटिक एनर्जी की हमने कैलकुलेट की थी, और बिल्कुल वैसी ही यूनिट है जैसी हमने E=mc2 में कैलकुलेट की थी। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि c2 का ही यूज़ क्यों किया गया। तो यानी कि फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला एनर्जी के टर्म्स में लिखा हुआ हो तो उसमें मास और किसी स्पीड की यूनिट का स्क्वायर जरूर मौजूद होगा।
तो अगर आप इस चीज़ पर सवाल उठाते हो कि ए इक्वल टू एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर क्यों है, तो आपको इस चीज़ पर भी सवाल उठाना होगा कि काइनेटिक एनर्जी में वी स्क्वायर क्यों है, और फिर अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी पर भी यही सवाल उठेगा। यानी कि फिजिक्स में जब भी हम एनर्जीज की बात करते हैं तो मास के इन्वॉल्वमेंट के साथ यूनिट वाइज स्पीड के स्क्वायर को भी मौजूद होना होगा, और यही चीज़ मैंने आपको ऊपर यूनिट वाइज प्रूव करके भी दिखाई है। यानी कि एनर्जी की यूनिट को सही रखने के लिए इस फैक्टर में स्पीड के स्क्वायर को मौजूद होना होगा, और वह स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट। अब दूसरा सवाल कि स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस आइडिया पर बेस्ड है कि सारे ऑब्जर्वर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना फास्ट वो मूव कर रहे हों, वह सेम फिजिकल लॉस को ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पर केवल एक ही स्पेशल स्पीड मौजूद है जो कि सारे ऑब्जर्वर सेम मेजर करेंगे, और वह स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट। चलिए मैं आपको इसको ड्राइव करके बताता हूँ कि आखिर स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों। तो आइंस्टीन ने हमको काफ़ी सारे फार्मूले दिए, जैसे कि टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और उन्हीं में से एक फार्मूला है रिलेटिविस्टिक मास का, एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर एम नॉट उस बॉडी का रेस्ट मास है, यानी कि जब बॉडी रुकी हुई हो उस समय उस बॉडी का मास। एम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मास है, यानी कि जब वह बॉडी मूव कर रही हो किसी वेलोसिटी के साथ, तो आइंस्टीन ने बताया कि उसका मास कांस्टेंट नहीं रहता, वह इंक्रीज होता है, और तब हम उस मास को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, और उसका फॉर्मूला यह रहा। लेकिन रेस्ट मास यानी कि एम नॉट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, यानी कि जब भी कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका मास इंक्रीज होता जाता है, और अगर उस बॉडी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो उस बॉडी का मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और आई थिंक आपको यह फैक्ट पता ही होगा। तो जिस तरह रेस्ट मास होता है उसी तरह रेस्ट एनर्जी भी होती है। तो अब मैं यह मान लेता हूँ कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि किसी भी पार्टिकल की रेस्ट एनर्जी उसके मास और किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी, यानी कि रेस्ट एनर्जी इक्वल टू के इंटू एम। अब यहाँ पर के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, ज़रूरी नहीं कि वह स्पीड ऑफ लाइट हो, जो चाहे वो ले सकते हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर कोई भी रैंडम वेलोसिटी, या फिर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी, कुछ भी हो सकती है। क्योंकि आप लोगों का यह सवाल था कि स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों, तो हम यह मान लेते हैं कि वह वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, कुछ भी वेलोसिटी है, मान लीजिए स्पीड ऑफ लाइट से 10 गुना ज़्यादा वेलोसिटी है, और इसी वजह से हमने इसको कांस्टेंट के का नाम दिया है। तो अब हमको बस केवल यह फाइंड करना है कि आखिर के की वैल्यू क्या है। तो अब हमको यह मालूम है कि जब भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी स्लो मूव कर रहा हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब पार्टिकल की टोटल एनर्जी कितनी होगी, उसकी रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वैसे ही रिलेटिविटी में टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। यानी कि जब पार्टिकल रुका हुआ हो उस समय उसकी एनर्जी प्लस जब पार्टिकल मूव कर रहा हो उस समय उसकी एनर्जी। यानी कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमको क्या कहती है कि यह टोटल एनर्जी एक फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगी, और इस फैक्टर को हम बोलते हैं गामा। गामा की वैल्यू होती है 1/√1 - v² / c², और यह फैक्टर हमको रिलेटिविटी की हर एक इक्वेशन में देखने को मिलता है, भले ही वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की हो, टाइम डायलेशन की हो, या फिर रिलेटिविस्टिक मास वाली हो जिसको हमने ऊपर वाली इक्वेशन में देखा था। तो टोटल एनर्जी में भी हमको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब टोटल एनर्जी क्या होगी, गामा के इंटू एम। तो जब भी वेलोसिटी जीरो होगी, यानी कि जब पार्टिकल रुका हुआ होगा, तो उस समय गामा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस समय टोटल एनर्जी बराबर होगी रेस्ट मास एनर्जी के, यानी कि के इंटू एम के। लेकिन जब वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, जीरो नहीं है लेकिन काफ़ी कम है, उस समय वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी, और इस कंडीशन में हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं 1/√1 - e, और यह अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1+e/2k। दरअसल यह फार्मूला टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से आया है। तो अगर v की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुई, तो v² / c² की वैल्यू 1 से काफ़ी कम होगी,
तो ऐसी कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2v² / c², क्योंकि यहाँ पर e की जगह पर हमारे पास v² / c² है। तो अगर v की काफ़ी छोटी वैल्यू ली जाए तो वेलोसिटी की काफ़ी छोटी वैल्यूज़ के लिए हम लोग 1/√1 - v² / c² को 1 + 1/2v² / c² लिख सकते हैं। तो अब हम टोटल एनर्जी को लेते हैं, E = γ k ×m। अब गामा की जगह पर हम लोग लिख देते हैं 1 + 1/2v² / c². तो अब टोटल एनर्जी बराबर होगी ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/2v² / c² k ×m। अब हम ब्रैकेट के अंदर k ×m का मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, km + k/c² ½mv² तो अब आपको इस रिलेशन में ½mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिख रहा होगा, लेकिन उसके संग k/c² की भी वैल्यू है। तो आखिर k की क्या वेलोसिटी पुट की जाए कि k²/c² एलिमिनेट हो जाए, इस रिलेशन में से हट जाए, यानी कि k की ऐसी क्या वैल्यू पुट की जाए कि हमको केवल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि k की हम केवल एक ही वैल्यू पुट कर सकते हैं और वह वैल्यू है c², क्योंकि c² से c² कैंसिल हो जाएगा तो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। k की वैल्यू हम c² के अलावा कुछ और पुट नहीं कर सकते, जैसा कि आप इस रिलेशन में देख सकते हो कि k की वैल्यू c² पुट करने पर c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो हमको हर जगह k की वैल्यू c² पुट करनी होगी। तो अब रेस्ट एनर्जी बराबर हो जाएगी k ×m। अब k की जगह पर हम c² पुट करेंगे तो रेस्ट एनर्जी बराबर होगी m × c² यानी कि mc², और जब हम k की जगह पर c² पुट करेंगे तो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी mc² + ½mv² यानी कि टोटल एनर्जी बराबर होती है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात और बता दूँ कि हमको यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी में m की जगह m0 का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन अब हमने स्टार्टिंग से m का ही यूज़ किया है तो आप इसको समझ लीजिएगा, लेकिन रेस्ट मास एनर्जी में m की जगह पर m0 आएगा। तो यानी कि हम c² की जगह कोई और कॉन्स्टेंट पुट कर ही नहीं सकते। हमने करने की कोशिश की, c² की जगह हमने एक कॉन्स्टेंट k ले लिया और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, लेकिन एंड में आकर हम एक ऐसी कंडीशन में फंस गए जहां पर हम k की वैल्यू c² के अलावा कुछ और पुट कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक अब आप यह जान गए होंगे कि A = mc² में c² का क्या मतलब है और केवल स्पीड ऑफ लाइट का ही यूज़ क्यों किया जाता है, कोई और स्पीड का यूज़ क्यों नहीं होता। इस चीज़ को देख कर आप समझ ही गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि E = mc² की डेरिवेशन के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर अगली बार आपसे कोई इस चीज़ के बारे में पूछता है तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो यह सब था आज की वीडियो में, आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।